अब यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन ने विध्वंसक प्लानिंग की है। पुतिन के ऑर्डर पर वैगनर चीफ प्रिगोजिन मोर्चे पर तो पहुंच गए हैं और प्रिगोजिन को रूस ने विध्वंसकारी न्यूक्लियर माइंस भी सौंप रखी हैं। यानी अब यूक्रेन की जमीन पर लैंड माइंस के अलावा एटमी माइंस भी बिछाई जाएंगी। अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से ये जानकारी यूक्रेन को जैसे ही दी गई, कीव में हाहाकार मच गया, क्योंकि एटमी माइंस जब फटेंगी तो यूक्रेन का शहर शहर हिरोशिमा बन जाएगा। रूस का नया हथियार एन माइंस से हाहाकार। एटमी माइंस का जाल यूक्रेन का काल। वैगनर को टेंडर, एटमी माइंस का टेरर। यानी अब ज़ेलेंस्की का खेल खत्म होने वाला है। क्योंकि अभी तक रूस ने समंदर में बारूदी माइंस और जंग के मैदान में लैंड माइंस बिछाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। लेकिन अब न्यूक्लियर माइंस के खुलासे के बाद यह तय हो चुका है कि पुतिन यूक्रेन पर ना सिर्फ कब्जा करेंगे बल्कि उसे तहस नहस कर देंगे। अगर समंदर में बारूदी माइंस किसी वॉरशिप को उड़ाने का दम रखती हैं, लैंड माइंस भारी भरकम टैंक को उड़ा सकती हैं, तो न्यूक्लियर लैंड माइंस की तबाही किसी टैक्टिकल एटमी वेपन जितनी हो सकती है। यानी वैसा ही बारूदी क्लाउड बनेगा जैसा एटम बम फटने के बाद बनता है, बस उसका दायरा कम होगा। पहले जरा न्यूक्लियर माइंस को समझ लीजिए, फिर बताएंगे इस नए हथियार के बारे में किसने दावा किया है और न्यूक्लियर वेपन को यूक्रेन में लगाने का जिम्मा किसे दिया गया है। साफ है यूक्रेन एक बहुत बड़े संकट में घिर चुका है जिसमें तबाही का दायरा कई गुना ज्यादा होगा। जब बाद में बंद तबाही का विस्फोटक फटेगा तो यूक्रेन में सालों साल तक तबाही के निशान दिखते रहेंगे, ठीक हिरोशिमा नागासाकी की तरह। यूएस स्पेशल एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशन यानी सैडम के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर लैंडमाइंस की पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर लैंडमाइंस कुछ इस तरह की होगी। इस एटमी लैंडमाइंस को बैकपैक कहा जाता है, जिसमें एक बैग के अंदर यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम भरा होगा, जिसे विस्फोटक के साथ जमीन में फिट कर दिया जाएगा और उसके बाद जब कोई भारी वाहन या फिर सैनिक की टुकड़ी गुजरेगी तो वो फट जाएगा और आसपास के इलाके में भारी तबाही मच जाएगी। और पुतिन ने इस मिशन पर वैगनर को लगाया है। बताया जा रहा है वैगनर चीफ प्रिगोजिन को न्यूक्लियर लैंडमाइंस वाले बैग भी मिल गए। हालांकि ये तभी तय हो चुका था कि जब पुतिन से प्रिगोजिन ने सीक्रेट मीटिंग की थी और उसके बाद वैगनर चीफ को सीक्रेट एटमी साइट पर भेजा भी गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदानोव ने साफ तौर पर कहा है, कुछ हफ्ते पहले प्रिगोजिन को एटमी साइट वोरोनिज के पास देखा गया था। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि उसके पास एटमी वेपन हो सकते हैं। अब वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की शक्ल में है या फिर न्यूक्लियर माइंस की शक्ल में। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस तरह से रूस ने लैंड माइंस बिछाकर यूक्रेनी सैनिकों को तड़पा तड़पा कर मारना शुरू किया है, यूक्रेन एक ऐसा बारूदी कुआं बन चुका है जहां कदम कदम पर लैंड माइंस फिट है, लेकिन खतरा कई गुना ज्यादा बड़ा है। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के करीब 30% इलाके में लैंड माइंस बिछाए हुए हैं, जिन्हें ढूंढकर हटाने में सालों साल का वक्त लग सकता है। और ये भी तय हो पाएगा जब यूक्रेनी सैनिक सिर्फ लैंडमाइंस ही हटाने का काम करें। लेकिन सोचिए, जब इस बीच एक भी न्यूक्लियर लैंडमाइंस फट जाती है, जिसका पता लगा पाना बेहद मुश्किल है, तो यूक्रेन में महाविनाश का तूफान आना तय है। यानी यूक्रेन में कई जगह छोटे छोटे हिरोशिमा और नागासाकी बन जाएंगे, जो आने वाले कई सालों तक पुतिन के प्रकोप की गवाही देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।